दोस्तों एक वक्त ऐसा था जब अंतरिक्ष में जाना भी वैज्ञानिकों के लिए बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन देखिए अब कितनी जल्दी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है। कभी नए ग्रह यानी कि प्लेनेट की खोज की जा रही है, तो कभी वहां बसने का प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन अब अंतरिक्ष में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम अक्सर चांद सितारों के बीच जाकर खाने पीने और मस्ती करने के सपने देखते हैं, तो अब आपका यह सपना पूरा होने वाला है। अमेरिकन कंपनी ऑर्बिटल असेंबली जल्द ही इस सपने को साकार करने वाली है, और अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग साल 2025 तक अंतरिक्ष में बने होटल में छुट्टियों का लुत्फ उठाएंगे। दोस्तों अंतरिक्ष के शानदार नजारों के साथ होटल की सुविधाओं का लुत्फ उठाना किसी सपने से कम नहीं लगता, जैसा कि हम साइंस फिक्शन वाली फिल्मों में देखा करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसके अंदर कैसी सुविधाएं मौजूद होंगी, कैसे रहा जाएगा और आम आदमी को इसके लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों स्पेस होटल बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले साल 2019 में दुनिया के सामने पेश किया गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार यह होटल एक घूमते हुए पहिए के आकार का होगा जो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। होटल अंतरिक्ष में होगा, लेकिन इसमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। सारी सुविधाओं से लैस इस होटल में आने वाले लोगों को अंतरिक्ष के शानदार नज़ारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों अंतरिक्ष में कुल दो होटल बनाए जाएंगे, एक का नाम है पायोनियर स्टेशन तो वहीं दूसरे का नाम वोएजर स्टेशन होगा। जहां पायोनियर में 28 लोग एक साथ दो हफ्तों के लिए रह सकेंगे, वहीं वोएजर होटल थोड़ा बड़ा होगा, इसमें 400 लोगों के रहने की जगह होगी। मशहूर डिजाइनिंग कंपनी ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन ने 2027 तक इस होटल को तैयार करने का डेमो शेयर किया है। इसका निर्माण कार्य 2025 में शुरू होगा और 2027 तक यह होटल तैयार हो जाएगा। इसको बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर पृथ्वी पर ही तैयार किया जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी बनाई हुई होटल को डायरेक्ट स्पेस में ले जाया जाएगा। अंतरिक्ष में ये एक जगह पर फिट नहीं रहेगा, बल्कि चारों ओर हमेशा घूमता रहेगा। दोस्तों इसका एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा, यानी कि घूमते घूमते हुए आप अंतरिक्ष की सैर भी कर लेंगे। इसके अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप जानते ही हैं कि अगर ग्रेविटी नहीं रहेगी तो हम उसमें बैठकर खाना पीना कैसे करेंगे, बस हवा में ही घूमते रहेंगे। दोस्तों अगर स्पेस में जीरो ग्रेविटी में हम चले जाएं तो हमारी बॉडी की बोन डेंसिटी मसल डेंसिटी कम हो जाती है, इसके साथ ही साथ हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, जो हमारे बॉडी के लिए किसी भी तरह से ठीक नहीं है। इसी समस्या से बचने के लिए स्पेस में आर्टिफिशियल ग्रेविटी को बनाया जाता है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी नेचुरल ग्रेविटी की तरह ही ह्यूमन बॉडी पर एक फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से हमें असली ग्रेविटी के जैसा महसूस होता है। दोस्तों इन होटल्स की फैसिलिटीज की बात करें तो कंपनी के अनुसार दोनों ही स्पेस होटल लग्जरी होंगे, यानी कि धरती पर जैसे लोगों को होटल्स में 5 स्टार या 7 स्टार जैसे आनंद मिलते हैं, वैसे ही सुविधाएं यहाँ दी जाएंगी। यानी लोग पृथ्वी की तरह ही नहाना, बैठना, चलना और खाना जैसी नॉर्मल गतिविधियां कर सकेंगे। साथ ही कई रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, स्पा, जिम, किचन और बार बनाने का भी प्लान है। इस स्पेस स्टेशन में कई रिंग्स बनाई जाएंगी, जिनमें से कुछ रिसर्च के लिए नासा को दी जाएंगी। स्पेस स्टेशन के अंदर से ही लोग बाहर के नज़ारे भी देख पाएंगे। ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन का लक्ष्य अंतरिक्ष में बिजनेस पार्क भी बनाना है। यहाँ घर से लेकर ऑफिस तक रहेंगे, यहाँ काम करने वाले लोगों को खास तरह की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। दोस्तों अंतरिक्ष में सैर करवाने वाली आज और भी कई कंपनियां मार्केट में मौजूद हैं, और पिछले कुछ सालों में स्पेस टूरिज्म का एक हॉट टॉपिक बन गया है। अमेरिकी अरबपति जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजन, रिचर्ड बेंसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स पहले ही आम लोगों को अंतरिक्ष की सैर करवा रही है, लेकिन इनमें दिक्कत यह है कि इनका खर्चा काफी महंगा है, केवल ज्यादा अमीर आदमी ही इसे अफोर्ड कर पा रहे हैं। और अभी इस नई होटल की बात करें तो इस बजट के बारे में कोई ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कंपनी का ये कहना है कि हम इसको इतना सस्ता रखने की कोशिश करेंगे ताकि एक आम आदमी भी इसके खर्चे को उठा सके। यानी एक बात तो क्लियर है कि बाकी स्पेसएक्स जैसी कंपनियों से तो ये सस्ती ही रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको अंतरिक्ष की सैर करनी है तो 2027 तक इतने पैसे का जुगाड़ तो बैठा ही लो। अच्छा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही साथ वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक भी जरूर कर दें।